आइए तो आज मैं आप लोग से बात करना चाहूँगा, जितने भी एग्जामिनीज हैं, जितने भी आप लोग एग्जामिनीज हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे किसी भी क्लास का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी बोर्ड्स का हो, CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, अदर स्टेट बोर्ड्स हो, ICAI हो, कोई भी बोर्ड्स हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, है ना, कोई भी एग्ज़ाम्स हो या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों ना हो, कोई NDA का कोई कभी देना होता है किसी को, कोई JEE Mains जे एडवांस किसी को देना होता है, कोई BTEC का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, किसी को भी कोई भी एग्ज़ाम्स देना हो, जिनमें सब्जेक्टिव भी हो और ऑब्जेक्टिव्स भी हो, लॉन्ग्स भी हो, शॉर्ट्स भी हो, शॉर्ट्स आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रेजुएशन का देना हो, ग्रेजुएशन में देना, कोई BA MBA का है ना, किसी भी होटल मैनेजमेंट का कोई भी एग्ज़ाम देना, कोई स्कूल एग्जामिनेशन हो, मैं उनको बताना चाहूँगा, उनसे मैं बात करना चाहूँगा आज और बताऊँगा कि आखिर आप एग्ज़ाम कैसे दोगे। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसके बाद क्या करोगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे कि आपका एग्जामिनेशन पूरी कंप्लीटली एग्जाम्स सुपर एंड डुपर कैसे होगा, आपका एग्जाम सुपर एंड डुपर कैसे जाएगा, उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी ये अपलोडिंग वीडियो होगा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो है, कोई भी अगर देखें तो पूरी वीडियो को स्विप ना करें, क्योंकि मेरी आवाज़ को सुनेंगे और समझेंगे, फॉलो करेंगे तो पक्की बात है हर बच्चा का एग्ज़ाम सुपर एंड डुपर जाएगा, चाहे कोई भी स्कूल एग्जामिनेशन या कोई यूनिवर्सिटीज़ का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी हो, तो मैं उस पर बात करूँगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पूरी वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा नहीं है, 4-5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो सुनिएगा। ये जो एग्जामिनेशन की बात है, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, ठीक है, इत्मीनान से शांति से जाना है, एकदम इत्मीनान से जाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, इंटेंशन जरूर रखिएगा, टेंशन नहीं, इंटेंशन और टेंशन में काफ़ी अंतर होता है, कई बार मैं लाइव क्लास में बताया करता हूँ, है ना, तो इंटेंशन तो लेना ही है, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इंटेंशन आपके फायदे की बात है और टेंशन आपके घाटे की बात है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपको पेपर मिलता है अपना, उस पर रोल नंबर वगैरह वगैरह जो भी आराम से लिख लेना है ना, आपके एग्जामिनेशन रूम में घड़ी लगी होती है, वॉच लगा होता है, क्लॉक लगा होता है, क्योंकि आपको तो अलाउ नहीं होता घड़ी पहन के जाने के लिए, अब अलाउ नहीं, डिजिटल दुनिया है ना, नहीं अलाउ है अब, तो आपको पेपर जो भी एग्जामिनेशन के लिए जो पेपर मिला है उसको फिलअप कर दिए, आपको अब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट को फिलअप करने के बाद क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो घबराना नहीं है, सुन लीजिए ध्यान से, पहले क्या करना है आपको इत्मीनान से, मैं बोर्ड्स वाले की भी बात कर रहा हूँ, जो एग्जामिनेशन किसी बोर्ड्स की होती है उनके लिए भी बात कर, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, बस मैं कह रहा हूँ, पक्की बात आपका सुपर एंड डुपर एग्जामिनेशन होगा, है ना, कोई परीक्षा है जिसको हिंदी में परीक्षा कहते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि जब मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिला, आप बड़े आराम से प्यार से उसको खुश होकर, मिजाज खुश रखकर, टेंशन में नहीं रहकर, है ना, अगर कम तैयारी भी हुआ तभी बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट है उनके लिए भी कह रहा हूँ, जिनकी आधी उधी पढ़ाई हुआ है कंप्लीट नहीं है उनके लिए भी कह रहा हूँ, जिनको बहुत कम कंप्लीट हुआ है, प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो मीडियम और जो बहुत डल कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि उनके लिए भी अच्छा पेपर जाएगा, मेरी बात को सुनोगे। तो क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर को पहले 1 से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तक, सेक्शन ABC जो भी सेक्शन है पूरी को आपको पढ़ जाना है, पहले पेपर को ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना, पढ़ने 5-6 मिनट में कोशिश करना कि पूरी पेपर को एक बार ओवरव्यू कर लें, ओवरव्यू समझते हैं ना, कि थोड़ा सा ऊपर माइंडली देख लें कि आखिर कौन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे पेपर देखने में लगा दें, पढ़ने में पूरी डिटेल पढ़ने में लगा दें, ऐसा नहीं करना, डिटेल कदापि मत पढ़िएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ओवरव्यू करना है, यानी ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेना, ताकि इतना पता लग जाए आपको, माइंड में इतना सेट हो जाए कि किस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है,
सुन लीजिए, इसके बाद मेन पॉइंट है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हो, है ना, आपको पेपर को उल्टा शुरू कीजिए, उल्टा यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से, बैक से, है ना, लास्ट पेज से शुरू करना, सॉल्व करना शुरू कीजिए। ऑब्जेक्टिव से पहले कदापि सॉल्व ना करें, लास्ट से शुरू करेंगे। और हर एक पेपर में कह रहा हूँ मैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन खास करके अगर मैथमेटिक्स और साइंस में, और खास करके उससे भी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ मैथमेटिक्स में एकदम पक्की, अच्छा हर पेपर में करना है लेकिन मैथमेटिक्स में पक्की, कि आप लास्ट से शुरू कीजिएगा, अंत से शुरू कीजिएगा सॉल्व करना। अब सुनिएगा ध्यान से, इसका भी तरीका है, शुरू करना सिर्फ नहीं है और क्यों करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। थोड़ा सा थमे रहिए, आप अपने दिल को रखिए अभी, है ना, मैं सब बताऊंगा। तो लास्ट से शुरू करते हुए आपको जैसे लास्ट मान लीजिए 40वां क्वेश्चन है तो 40वां कर लेंगे, ठीक है, आ रहा है। और इसके बाद हमने 39 पाए, 39 अगर हमने फ्रिक्वेंटली अच्छी तरह से आ रहा है सोल्यूशन तो करेंगे। अगर मान लीजिए 39 में कुछ संदेह है, सस्पेंशन है, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर सोचने में दो तीन मिनट पाँच मिनट मत लगाइएगा। यही तो आपकी है, यही तो जो डिमेरिट है आप लोग की, यही तो गलत वहाँ पर हो रहा है कि जो पाँच छः मिनट टाइम खर्च कर रहे हैं उसको सोचने में, अभी मत सोचिए, आपको 39 को छोड़ दीजिए। और वहाँ पर जगह भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप पहले सेक्शन लिख दिया है कि सेक्शन सी का हम सॉल्व कर रहे हैं, लिख चुके हैं पहले ही। जगह बहुत बच्चे छोड़ते हैं, जगह कि हमने लगातार होना चाहिए, अरे लगातार कौन कहता है लगातार होना चाहिए, क्या जरूरी है लगातार करने का, कोई जरूरी नहीं है। लगातार करने से क्या आपको ज़्यादा नंबर दे देंगे चेक करने वाले, नहीं। तो आपको 39 छोड़ दिए। अब 38 पाइए, 38 क्योंकि पहले भी पेपर पढ़ चुके हैं तो आपको दिमाग में तो पहले ही आ चुका है कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमें जल्दी करने आ रहा है, तो पहले दिमाग सेट हो चुका है ना, जो 5-6 मिनट पढ़े हैं। तो 38 पाइए, और 38 आपको आ रहा है फ्रिक्वेंटली, बड़ी अच्छी तरह से आ रहा है, तो आप उसको इत्मीनान से करना है, है ना। इत्मीनान का मतलब ये नहीं कि आपको 5-4 मिनट करने वाला 10 मिनट में कहिए, नहीं, है ना, उसको निपटाना है 3 से 3.5 मिनट 4 मिनट में निपटा देना है अच्छी तरह से, पूरे स्टेप्स लिखने के बाद, पूरे स्टेप्स के साथ शॉर्ट में नहीं करना है, पूरे स्टेप्स जहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है उसके बगल में साइड में राइट हैंड पर फॉर्मूला लिख दीजिए या ऊपर ही लिख दीजिए, जरूर फॉर्मूला लिखना है। जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री होगा, त्रिकोणमिति, उसमें फॉर्मूला लिखना है, और भी जो होंगे फॉर्मूला लिखना है जहाँ जरूरत पड़ती है वो कर दीजिए। 37 पाइए, 37 अगर आ रहा है तो वो भी कर दीजिए। 36 पाइए, वो आ रहा कर दिए। 35 पाए हमने, 35 में संदेह हो रहा है, डाउट्स हो रहा है, सोचने की जरूरत है, मत सोचिए, छोड़िए, जल्दी बढ़िए। 34 ऐसे करते करते मान लीजिए 28 पर आ गए हम लोग, 28 में डाउट्स है, नहीं करेंगे, 27 आ रहा है, कर देंगे। करते 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 आपको बाबू पहुँचना कहाँ पर, पता आपको नहीं पता है तो पहुँचना ऐसे करते करते एक पर पहुँच जाना है, कहाँ पर पहुँचना है, एक पर। ऑब्जेक्टिव मान लीजिए CBSE होता है, 20 ऑब्जेक्टिव होता है, तो एंट्री मारते मारते एक पर आ जाना है। बिहार बोर्ड के लिए 100 में से 50 करना होता है, तो बिहार बोर्ड का भी लोग पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं, नहीं, पहले से ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। कदापि मत करें बाबू, बिहार बोर्ड वाले को भी करूँ, अदर बोर्ड्स के भी कर रहा हूँ, जो स्टेट बोर्ड्स हैं अदर, आपको करते करते हर बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, आपको वन पर पहुँच जाना है, ऑब्जेक्टिव इसमें हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी कुछ अगर डाउट्स होंगे उनको छोड़ देना अभी फिलहाल भी, है ना। बहुत बच्चे बिहार पर सोचते हैं 100 आता है तो 50 जैसे तैसे मार देते हैं, जैसे तैसे अभी नहीं मारना है, हम वो भी बताएंगे कि जैसे तैसे अगर नहीं आ रहा तो कब मारना है वो भी मैं बताऊंगा। इत्मीनान से अभी रखिए, है ना, दिल को थामे हुए मेरी आवाज़ को सुनिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बताऊंगा, जो नहीं आता वो क्या करेंगे बताऊंगा आपको मैं, पूरे 100% आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा। अब क्या करना है कि जब फिर अब जब वन तक पहुंच गए तो फिर वहां से अंतिम से शुरू कीजिए। अब अंतिम से वो शुरू करना है जिसमें जिस क्वेश्चन में डाउट था, एक दो मिनट में सॉल्व हो जाता है, 2 मिनट 2.5 मिनट सोचने पड़ रहा है, 1 मिनट सोचने की जरूरत पड़ रहा है, तो उसको सोचते हुए जो पेपर जो क्वेश्चन पेपर छोड़े थे, क्वेश्चन जो छोड़े उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब जिसमें 5 मिनट 10 मिनट लगता है सोचने में उसको कदापि मत करें, 10 मिनट 5 मिनट लगता है कदापि में करें, जो 1-2 मिनट सोचने के बाद अगर आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है तो उसको करते चलिए। फिर करते 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 1-1 मिनट 2-2 मिनट बात कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट 10 मिनट वाले मत कीजिए अभी, एक पर पहुँच जाइए, चलिए हो गया। अब फिर से अंतिम शुरू कीजिए। अब हम करेंगे जिसके क्वेश्चन में 5 मिनट 10 मिनट सोचने पर आ रहा है, तो अब उसको शुरू कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट 8 मिनट सोच के उसको कर डालिए। लास्ट से अंतिम से ही करते करते हम फिर एक पर पहुँचेंगे, ठीक है। अब हमने ऐसा क्वेश्चन कुछ रह गया है, सपोर्टेड किसी बच्चों को ऐसा क्वेश्चन रह गया जो मीडियम है या जो कमज़ोर बच्चे थे, जो पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, कुछ क्वेश्चन रह गया है। अब
अब वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो हमको नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, को नहीं आ रहा है, वो करना शुरू करेंगे। कुछ सोचेंगे, है ना, अगर आता है कुछ फॉर्मूला उसका आ जाए, फॉर्मूला लिख के आ जाइए। कुछ उसके बारे में डायग्राम है तो डायग्राम बना दीजिए। कुछ उसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आ रहा है तो भी लिख दीजिए। मतलब कुछ भी उसके बारे में अगर सोच में आ रहा कर दीजिए, या 5 मिनट 10 मिनट सोचने से आ गया तो सॉल्व भी कर दीजिए, है ना। कुछ इधर उधर से कुछ अगर अगल बगल से कुछ हो गया, समझते ना, अगल बगल से मैंने कह रहा चीटिंग कीजिए, चीटिंग कदापि नहीं। अगल बगल से कुछ आ गया है, कुछ पूछताछ हल्का फुल्का, तो कर डालिए। करते करते फिर एक पर पहुँच जाना है। आप जब इतना कीजिएगा, आपको मैक्सिमम जो मीडियम वर्ग के बच्चे हैं, मीडियम या कमज़ोर बच्चे, उनको भी इंटेलिजेंट के तो सारा हो गया। जो अच्छे बच्चे हैं, प्रिपरेशन किए हैं पूरी अच्छी तरह, विद कंसेप्ट जिन्होंने पढ़ा उनका तो सब हो गया, जो मैंने बताया से किए सब हो गया। आपको पता चलेगा टाइम से पहले हो गया, और टाइम बचाना आपको है, लास्ट में टाइम बचाना भी आपको है। आप पक्की बात है, जब ऐसे कीजिए तो ऑटोमेटिक आपके पास टाइम बचा होगा। घड़ी में देखिएगा टाइम बचा होगा, 3 घंटा जो टाइम होता है उसमें टाइम बचा, जितना भी टाइम होता है टाइम बचा हुआ रहेगा। अब मान लीजिए ठीक है, आपको कुछ भी करके उसमें आ जाना, छोड़ना नहीं है, कुछ रिलेटेड लिख देना है। अब बात रही ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन है अब बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर अगल बगल से किसी भुनक दिया मिल गया तो ठीक है, उसको लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए कि हमने ये ऑप्शन सही है। और फिर भी अगर नहीं आता है तो आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आपका कौन सा नेगेटिव मार्किंग है। अरे नेगेटिव मार्किंग है तो ऑब्जेक्टिव कभी नहीं आता तो करना ही नहीं है, नहीं आता तो नहीं करना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कई ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, उसको नहीं आता है तो अगर कंफर्म नहीं है, डेफिनेट आंसर नहीं आपको आता है तो मत करिए उसको। लेकिन आपकी तो बोर्ड एग्जाम में कौन सा ऑब्जेक्टिव ऐसा जो नेगेटिव है नहीं है, तो छोड़ के नहीं आना है। उसको भी क्या करना है कि जो छूट गया है उसको भी सोचने पर भी नहीं आ रहा है तो आपको इन बिन 1.5 या 3.5 करके जय श्री राम, अपने जो भी जिनको मानते हैं उनको नाम लेके 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन आपको लगा के आना है, ताकि अगर सही हुआ किस्मत से तो नंबर मिलेगा, नहीं सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप छोड़ के आते थे कौन सा नंबर मिलता। नंबर 1 ये हो गया कि ऑब्जेक्टिव भी आपको लास्ट में छोड़ के नहीं आना है, इन बिन 1.5 या 3.5 करके मार देना है, लगा देना है, आंसर लिख देना है, ठीक है। अब कहिए सर ये क्या ऐसा होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, सुनेगा। अगर आप शुरू से पेपर शुरू कीजिएगा तो पक्की बात है किसी भी बच्चों के लिए एग्जाम जो होता है, हम शुरू में बड़े इत्मीनान से आराम से ऑटोमेटिक, ये हमारी मनुष्य का ऐसा प्रवृत्ति है, स्वभाव ऐसा है कि न चाहते हुए भी हम सोच के गए कुछ और हो रहा है कुछ और, कि आराम से राइटिंग बैठा बैठा के, राइटिंग में ध्यान देना है लेकिन ऑटोमेटिक शुरू कीजिएगा तो राइटिंग बैठा बैठा के ऑब्जेक्टिव को भी आप इत्मीनान से सोल्व करके लगाना है, 10 सेकंड लगाना है, 30 सेकंड तो लगाएगा, 1 मिनट लगा दोगे, 2 मिनट, क्योंकि टाइम की परवाह नहीं ना, आपको लग रहा है 3 घंटा भी है ना, 3 घंटा है तो आपको ऑटोमेटिक। और जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछेगा, मतलब उसे पहले वहाँ तक पूछने में टाइम लगेगा, तो उसको क्या कीजिएगा, बड़ा राइटिंग बना के बढ़िया से लिखिएगा, ऑटोमेटिक ऐसा होगा। और जब जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर पूछेंगे, है ना, तो पता चला भाई से टाइम तो आधे घंटे बच रहा है, आप पेपर अभी 50 नंबर का, 60 नंबर का या 40 नंबर का बच रहा है, ऐसा लगेगा। और टाइम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच रहा है, तो अब लीजिए जैसे टाइम कम बचेगा और लॉन्ग क्वेश्चन देखो बाद इतना अभी करना है, 5-5 नंबर का, 4-4 नंबर का इतना करना है, 6-6 नंबर का, 10-10 नंबर का इतना करना है, क्योंकि 10 नंबर का भी एग्जाम आता है, BSC में आता है ना, पेपर क्वेश्चन आता है उसमें, तो इतना बच रहा है तो आपको होगी घबराहट कि बाप रे बाप इतना करना बच गया है। अब देखिए ऑटोमेटिक जो स्टार्टिंग में आपका माइंड बैलेंस था, अब माइंड ऑटोमेटिक आपका फ्रिक्वेंट करने लगा और माइंड आपको डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब होना शुरू करेगा, दिमाग में जो क्वेश्चन आता भी रहेगा आपको अच्छी तरह से आएगा, वो भी टाइम की कमी के कारण, और घबराहट दिमाग में हो रही है उस कारण आप राइटिंग तो आप देखोगे नहीं कि क्या लिख रहे हो, बस ये एकदम बकरी के टांग जैसा है ना, मक्खी मार लिखना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिक लिखाएगा, ऑटोमेटिक राइटिंग क्या बन रहा है आप ध्यान नहीं दोगे, क्या कहाँ लिख रहे हो भी ध्यान नहीं दोगे, है ना। और हो सकता है उस घबराहट में आता क्वेश्चन भी भूल जाते हैं, ये हमारे मनुष्य की प्रवृत्ति है कि क्वेश्चन भूल जाओगे और आपसे पेपर कहीं गलत हो जाएंगे, और इसके चक्कर में आपको टाइम लास्ट में जो बचाना है वो तो बचने के बाद छोड़िए, आपके पास क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व नहीं होगा। आप पता चला आता हुआ क्वेश्चन छूट गया और बेल टना बज गया, आपको पेपर जो आंसर शीट है उसे जमा करने की टाइम आ गया है, सबमिट करने की टाइम आ गया है, आप जो आएंगे टीचर्स जो वो आएंगे आपका इन्वेजिलेटर्स और वो आपका पेपर ले लेंगे। आप पता चला 3-4 क्वेश्चन बाप रे बाप 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर छूट गया, 25 नंबर 30 नंबर छूट गया, 5 नंबर का छूट गया, ये साइड इफेक्ट है। लेकिन जब आप उल्टा पेपर हमने कहा शुरू करने के लिए है ना सेक्शन सी से, तो जब उल्टा कीजिएगा तो उल्टा करने से क्या होगा,
कि आपका माइंड एकदम बैलेंस है, एकदम खुश मिजाज हो आप, है ना। आप वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में पता है दिमाग भी ज़्यादा चाहिए, लिखना भी अच्छी तरह से बाई स्टेप्स लिखना है, तो वहाँ पर अच्छी तरह से आप बड़े दिमाग से सॉल्व कीजिए, जैसे मैं मेथड बताया हूँ सॉल्व हो जाएगा, है ना। और लाइट में कुछ क्वेश्चन बचा है तो उसमें घबराहट भी होगा तो क्या दिक्कत है उसमें, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन, चार चार लाइन का है तो कर देंगे घबराहट में भी, लेकिन मेन माइंड हमारा कहाँ खर्च करना था, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, वो तो हमने कर डाला। अब हमने टाइम कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा। तो ये साइड इफेक्ट है हमारा, और गुड इफेक्ट हमने बताया कि जब शुरू करेंगे तो साइड इफेक्ट बहुत बड़ा आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और जब अंत से पेपर लास्ट से शुरू करोगे तो आपके पास गुड इफेक्ट ऑटोमेटिक आपके पास हावी रहेगा, है ना। और मैं इसी साथ पेपर कीजिएगा मेरे कहने के अनुसार, तो हर एक बच्चा का, कमज़ोर, मीडियम और इंटेलिजेंट बच्चों का पक्की बात है, लिख के ले लीजिए कि आप मेरी फॉलो करके कुछ एग्जाम में देख लीजिए, आपको पेपर जो होगा सुपर डुपर होगा, है ना। और नंबर तो एकदम चरचरा आप पर परा के आएगा, नंबर 100 out of 100 या 100 के आसपास आपको नंबर आएगा, है ना। जो कमज़ोर बच्चे थे ठीक है 80 के लाइन में आ जाएगा, जो अच्छे बच्चे थे तो 80 से 90 के आसपास आ जाओ। आपको अच्छे बच्चे प्रिपरेशन किए होंगे, विद कंसेप्ट पूरे टाइम पढ़े होंगे, पूरे सिलेबस को विद कंसेप्ट, छापने वाला नहीं, विद कंसेप्ट, तो उनका पेपर तो 100 के आसपास क्या 100 भी उसमें किसी में मार्क्स आ गए होंगे। तो इस पेपर को ध्यान से, इस वीडियो को सुनिएगा आप लोग और लाइक दीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा इसको अगर अच्छा लगा तो, मेरी आवाज़ अब मेरे जो बताया आपको एग्ज़ाम के लिए। और मैं अब दूसरे वीडियो में हमारी आपको मिलेगा कि आखिर एग्जामिनेशन के पहले कैसे प्रिपरेशन करें, और एग्जामिनेशन हॉल में क्या सच में दही और गुड़ कुछ खा के जाना है, पी के जाना है, दही गुड़ ये सच है, आखिर क्यों दही गुड़ क्यों एग्जामिनेशन से पहले, घर से निकलने से पहले ऐसा क्यों, और एग्जामिनेशन उस रात को, एक दिन पहले रात को या एक दो दिन पहले, एग्जामिनेशन एक दो दिन पहले कैसे तैयारी करें, ये दूसरी वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए हम लोग आपको जो देखेंगे उनके लिए बहुत उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा, फिर आप दूसरी वीडियो को इंतज़ार कीजिए।